गाइस देखो, पब्लिक डिमांड पे एक बहुत ही स्पेशल वीडियो ये वाली, क्योंकि मैं आपके सामने भी शेयर करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग इसी गोल्ड फोन की। और ये है वर्दू का फोन। और आप मतलब देखो इस बॉक्स को, आई मीन आइडिया लग रहा होगा कि अंदर कंटेंट्स डेफिनेटली स्पेशल होने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़ चलिए इस वीडियो में, और हम देखते हैं कि आखिर इस फोन में कितना ज्यादा सोना लगा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे को मार्केट में ना मतलब वैसे बहुत सारे सिमिलर रेप्लिका कॉपी वगैरह मिल जाते हैं, बट दिस इज द रियल डील, दिस इज अ प्रॉपर वर्तू फोन। और बॉक्स का जो वजन है करीब करीब 2 किलो या उससे भी ज़्यादा है, इनफैक्ट 3 किलो तक भी हो सकता है, बिकॉज यू नो लॉट्स ऑफ स्टफ पैक्ड इनसाइड। जैसे आप लिड को साइड में हटाते हो, सी यू आर प्रेजेंटेड लाइक दिस, मतलब यू नो दिस इज राइट एकदम सबसे ऊपर इन टर्म्स ऑफ लग्जरियस स्मार्टफोन्स। और हमारे पास में ये एक पूरा लाइक अ ड्रॉअर सिस्टम मिल जाता है। सबसे पहले आप इसको हटाओ साइड में, सो दिस इज लाइक अ ज्वेलरी बॉक्स, मतलब कुछ स्पेशल आइटम है। दिस इज द वर्तू सिग्नेचर एस बाय द वे। सेकेंड ड्रॉअर आप ओपन करते हो, ओके सो वॉट वी हैव इज एक केस, एक लेदर केस फोन के लिए, साथ में एक कार चार्जर है। इधर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में दो बैटरीज हैं, मतलब यू नो जस्ट बिकॉज कि एक बिजनेसमैन इसको यूज़ करेगा और रिमूवेबल बैटरीज हैं, तो आप दो बैटरीज को यहाँ पे रखते हो साथ में। फिर अगर हम देखेंगे इधर, ओके ये है वर्तू का ऑथेंटिसिटी कार्ड, और फिर पुलिंदा है वर्तू सर्टेनिटी कार्ड, क्या बात है, साथ में और डिटेल्स। और यहाँ पे फिर ये क्विक स्टार्ट गाइड, एकदम फाइन प्रिंटेड, मतलब मल्टी लैंग्वेजेस के साथ में आने वाली ये गाइड, क्या बात है। एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या है, वारंटी बुकलेट। ये ऐसी अनबॉक्सिंग मैंने आज से पहले नहीं देखी है। यहाँ पे हमारे पास में इसके अंदर क्या निकलेगा, डेफिनेटली समथिंग स्पेशल। ओके तो ये है क्लीनिंग क्लॉथ वर्तू ब्रांडिंग के साथ, और नीचे फिर हमारे पास में यहाँ पे एक पाउच है टू कैरी और चार्जर या एक्सेसरीज वगैरह कुछ कैरी करना हो तो। और बॉक्स में अच्छी बात यह है कि आपको सारे कनेक्टर्स मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूएस के लिए ये कनेक्टर हो गया है, ये आपका यूके स्टाइल के लिए कनेक्टर हो गया है, या उसके अलावा ये जो होता है ये लगता है आपका न्यूजीलैंड वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, उसके लिए ये कनेक्टर हो गया है, तो मतलब इंडियन भी था फॉर एग्जांपल, तो एवरीथिंग पैक्ड इनसाइड। एंड स्पीकिंग ऑफ फोन, दिस वर्तू सिग्नेचर एस, आई मीन What an amazing phone। फिलहाल इसको हम बाहर निकालते हैं। 150 ग्राम से ऊपर का ये फोन है, इट्स लाइक अ नॉर्मल फोन लेकिन पैक्ड विद यू नो सम अमेजिंग स्टफ। देखो थोड़ा ध्यान से, फिर हम देखते हैं क्या ये फोन क्या है। गाइज देखा आपने, मतलब यार कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये फोन। और मतलब ये आज का एकदम ऐसे करंट लेटेस्ट की मॉडल नहीं है, बट दिस इज आइकॉनिक वर्तू सिग्नेचर एस। और आई मीन इस फोन की एक अलग ही बात है, इसका एक स्टैंडर्ड इज स्लीक नो डिजाइन है, ये अपने आप में काफी आइकॉनिक है। जो वेट है यू नो अराउंड 166 ग्राम्स, फील्स रियली सब्सटैंशियल एंड सॉलिड इन द हैंड, गिविंग यू दिस प्रीमियम फील। और यू नो अभी तो बैटरी भी इस फोन की बाहर है। एंड स्पीकिंग ऑफ बैटरी, इसका जो मैकेनिज्म है सभी वर्तू फोन्स में काफी स्पेशल होता है, जहां पे यू हैव दिस यू नो मैकेनिज्म एक क्लिप की तरह होता है, उसको उसे ट्विस्ट करोगे एंड बड़े आराम से द बैटरी डोर विल पॉप ओपन। जस्ट लुक एट द मटेरियल्स, आई मीन सिरेमिक गोल्ड लेदर एवरीथिंग, क्राफ्टमैनशिप एकदम यू नो टू द मैक्स। और मजे की बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हैंड क्राफ्टेड बाय वेंडी बीवन यहाँ पे लिखा है, यू नो द पर्सन बिहाइंड दिस फोन। और ये जो फोन है ये बना है यूके, हैंडमेड इन इंग्लैंड। दिस इज द वर्तू सिग्नेचर, ऑल द डिटेल्स। और यहाँ पे हम लगाते हैं इस बैटरी को, ये बैटरी को लगाया, नोकिया वाली वाइब्स आएंगे, बिकॉज अगर आपको नहीं पता है तो वर्तू वॉज ओन्ड बाय नोकिया, अभी ओनरशिप चेंज हो गई है, बट पहले ये नोकिया के पास में था। बैटरी कवर बड़े आराम से लगा दिया है, ऑन करने के लिए इसको दबाएंगे, आइकॉनिक वर्तू टोन आएगी, ऑन हुआ एक्सेप्ट बिकॉज सिम नहीं है। अब सुनो, यस
दिस इज द आइकॉनिक वर्तू टोन एंड द फोन इज ऑन. और यहां पे अगर आप देखोगे तो द यू आई वुड लुक फेमिलियर गाइज, बिकॉज ये आपको नोकिया वाली वाइब्स देने वाला है द वे. And I mean, look at this. ये जो फोन है ये आपको नोकिया की वाइब देने वाला है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अगर आप जाते हैं मेन्यू में, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, सेटिंग्स, यू नो, अलार्म क्लॉक, वेब, वर्दू सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्दू कॉन्सियर्ज वॉज आप फोन लगाओ और कुछ भी डिमांड कर दो ये डिमांड पूरी कर देगी. हाँ, पेमेंट करना पड़ेगा, बट आई मीन वर्दू कॉन्सियर्ज तो मतलब यू नो वॉज द मेन रीजन कि ये फोन इतना बिकता था, इतना ज्यादा यू नो डिमांड में था. जिसको भी एक महंगा एकदम ऐसा फोन चाहिए तो वर्दू वॉज द ओनली ऑप्शन. फोन में वाईफाई है, फोन में ब्लूटूथ है, यू नो आप इसमें अपना बेसिक ईमेल वगैरह कॉन्फिगर कर सकते थे. 2 इंच का एक छोटा सा स्क्रीन है, लेकिन इट्स प्रोटेक्टेड बाय सफायर क्रिस्टल, तो कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे. ओवरव्यू अगर आपको देता हूं तो अगेन आप जो भी सर्फेस देख रहे हो वो या तो लेदर है या सिरेमिक है या गोल्ड है, और गोल्ड मतलब रियल गोल्ड, प्लेटिंग नहीं. या साइड में अगर आप देखोगे यहां पे तो हमारे पास पे एक साइड का इसका बटन है, एंड दिस बटन डायरेक्टली टेक्स यू टू द कॉन्सियर्ज. यस, हॉट बटन फॉर वर्दू कॉन्सियर्ज. उसके ठीक ऊपर यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है. अगर हम ऊपर देखते हैं तो वी हैव दिस बटन यू नो बॉडी के अंदर ही टू लॉक एंड अनलॉक या स्विच ऑफ द फोन या चेंज द प्रोफाइल्स. और इसी के बगल में सिम ट्रे है. अगर आप सोचते हो सिम ट्रे कैसे निकलेगी, तो फोन में दिस साइड जहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन है उसके ठीक ऊपर एक सेक्शन है. यू जस्ट पुल दिस लाइक दिस, इसको आप पीछे खींचो ऐसा, एंड द सिम ट्रे पॉप्स राइट ओपन. और ये आप ट्रे देख रहे हो, मतलब आई मीन अगेन गोल्ड एंड द वे इट इज. ऐसे सिम ट्रे में ना देगी, ट्रेडिशनल मिनी सिम आप इसके अंदर लगाओगे जो पहले बड़ी वाली सिम हुआ करती थी, एंड यू पुट इट बैक एंड इट गेट्स क्लोज्ड. बाकी एकदम ऐसा यू नो काफी एजी डिजाइन है. पीछे द वे दिस यू नो बैटरी कवर इज सिग्नेचर वर्तू स्टाइल. पीछे वर्तू लिखा है, मॉडल नंबर लिखा है, यहाँ पे एक वी है. यहाँ पे ईयरपीस के बीच में भी एक यू नो नोटिफिकेशन लाइट होती है जो कि ब्लिंक करती है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कोई मैसेज वगैरह है कि नहीं है. वी हैव दिस कंप्लीट आइकॉनिक यू नो न्यूमेरिक सिंपल कीपैड, सिंपल यू नो ऑप्शंस जस्ट लाइक अ नोकिया फोन. अगर आप देखोगे तो यू नो गो टू या कॉल डायल, कॉल लॉक, मतलब सिंपल नोकिया फोन की तरह. आपको देख रहे हो नोकिया की वाइब्स आ रही होंगी पूरी, ये पूरा का पूरा जो ऑप्शन है नोकिया की तरह है, बट स्टिल वेरी प्रीमियम, वेरी पॉलिश्ड. 4GB की यहाँ पे रैम है, एंड आई विल गो टू टोन्स. एक टोन तो ये है, दूसरा थोड़ा अलग. देन गाइस, ये जितने भी टोन्स है ना, ये मतलब किसी बड़े से बड़े म्यूजिशियंस ने बनाई हुई है यू नो ये टोन्स. तो दिस इज व्हाट इज रियल लग्जरी. और इस फोन की प्राइस तो ये आई थिंक 83,000-84,000 का है. जी हाँ, दिस इज द वर्तू सिग्नेचर एस. ये मॉडल मेरे ख्याल से अभी भी आता ही ऑफ कोर्स, बट अभी कुछ कुछ चेंजेस हो गए, जैसे टाइप सी पोर्ट आ जाएगा, कुछ कुछ आपको, बट स्टिल गोइंग ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग द पास्ट आई थिंक 15 साल. यू नो सिग्नेचर इज द आइकॉनिक वर्तू. इसके बाद में काफ़ी सारे और फोन्स भी आए हैं और भी आते हैं, एस्टर आता है फॉर एग्जाम्पल, या यू नो सिग्नेचर टच भी आता है, बहुत सारे फोन आते हैं, बट दिस इज अ रियल माफिया फोन. की मतलब ये फोन भी इंसान अपने पास ही रखेगा फिर, यू नो एक असिस्टेंट होगा जो फोन लेके खड़ा होगा, फोन आएगा तो वो असिस्टेंट फोन देगा इंसान फोन वाले वाला. दिस इज अ रियल डील. आप बताओ वैसे कि आपको कैसा लगा. और अभी वर्तू का एक लेटेस्ट फोन भी आया है जिसमें 1 TB स्टोरेज है, 18GB की रैम है, और मतलब इट्स अ वेब 3 फोन. मेटा वर्टू उसका नाम है. मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ बहुत जल्दी. आई यू नो विल डू इट फॉर यू टू शोकेस कि आखिर उसमें क्या लेवल ऑफ लग्जरी है. वैसे ये कैसा लग रहा है गाइज, नीचे कमेंट करते हुए और क्या आपके मन की बातें बताना. लेकिन वैसे मैं इसको भी ऑफ करके जल्दी से इसमें रख देता हूँ, बिकॉज यू नो इसको संभाल के रखने के ज़्यादा बढ़िया है. आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.